हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये दिखा दूं कैसे मूस की एंट्री के बाद फैंस ने मूस के लिए ट्रेंड किया था। तो आते हैं अब स्टोरी पे। रिसेंटली केविन ने एक पोस्ट डाला था, ट्रीटमेंट से वापस आने के बाद सारे कंटेस्टेंट्स एक होटल में और केविन तनिष दूसरे होटल में रहते थे। आरुषि को जैसे ही पता चला वो छुप के केविन से मिलने आए थे, पर प्रोडक्शन पर्सन से पकड़े गए। आरुषि ने भी रिप्लाई में ये दिया कि कैसे अफ्रीकन लोगों को पूछ पूछ कर वो और अर्स 1 किलोमीटर चल के केविन से मिलने गए थे, सिंस उनके पास फ़ोन नहीं था। बीच में वो लोग खो भी गए थे, स्टिल दे मैनेज्ड। दत्ता और युक्ति ऑल्सो रिप्लाइड इन दैट पोस्ट। अभी तक शो के अंदर सोंदोस और वासीर का बहुत अच्छा जा रहा था। इट लुक्स लाइक दे वर डीपली इन लव विथ ईच अदर। पर शो से बाहर आने के बाद ऐसा क्या हुआ दोनों में कि दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते? दोनों को एक पार्टी में भी नहीं देखा गया अब तक। रिसेंटली जब सपना, वसीर, आरुषि और आशीष हैंगआउट कर रहे थे, वहाँ भी सोंदस नहीं थे। केविन के बर्थडे पार्टी के दिन भी जहाँ सब लोग मौजूद थे पर वहाँ सोंदस ही नहीं थे। सेम गोज टू वसीर। बीच में सोंदस, आरुषि, केविन, मूस एक साथ जब पार्टी कर रहे थे वहाँ वसीर नहीं थे। इनफैक्ट दे डोंट इवन फॉलो ईच अदर। हो सकता है मे वी शो में आगे जाने के बाद सोंदस केविन के साइड से खेलेंगे और वसीर के फ्रेंड्स को वोट आउट करेंगे, इस वजह से दोनों में लड़ाई होकर ब्रेकअप हो गया हो। या फिर शुरुआत वाले एपिसोड में सोंदस जो वीडियो डायरीज में वसीर को एब्यूज किए थे वो देखकर वसीर ने शायद ब्रेकअप किया। अभी आगे का एपिसोड देख के शायद हम लोगों को पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।